और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस फिल्म के जो राइटर हैं वो खुद हिंदू हैं, खुद को सनातनी कहते हैं, उन्होंने इस फिल्म के संवाद लिखे हैं, इसे दो कौड़ी के संवाद लिखे हैं कि लगता है कि वो किसी अम्मी जान की औलाद हैं और अपने को सनातनी कहते हैं। अरे अबे भाई, तू सनातनी है तो क्या तूने कभी रामायण खुल के ना देखी? कभी तूने गीता खुल के नहीं देखी, जो ऐसे भगवान श्री राम के किरदार को धूल में मिला रहा है, ऐसे श्री हनुमान जी के किरदार को तू धूल में मिला रहा है, ऐसी जगत जननी माता सीता के किरदार को तू धूल में मिला रहा है। ऐसे फिल्म के राइटर को तो जिंदा जला देना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो श्री राम के जीवन पर आधारित फिल्म बनी है, जो अभी चर्चा में है और जिसका नाम आदि पुरुष है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि उसमें कैसे भगवान राम के जीवन को एक बुरे व्यवहार से दर्शाया गया है। भगवान श्री राम जो कि मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं, तो इस फिल्म में जिसका नाम आदि पुरुष है, भगवान श्री राम को सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए देखा गया है, जिसका हमारी आने वाली पीढ़ी पर बहुत बुरा असर हो रहा है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इस फिल्म को जो है लोग बुरा बता रहे हैं, फिर भी इसको देखने जा रहे हैं, जबकि ये दो कौड़ी की एक फिल्म है। ना तो इसमें कोई कहानी अच्छी है, ना तो इसमें डायलॉग अच्छे हैं, डायलॉग में तूतड़ा फन भरा हुआ है। हनुमान जी इसमें, जो हनुमान जी हैं वो मुसलमानी वेश में हैं, जिनकी सिर्फ दाढ़ी दाढ़ी है, मूछ नहीं है। ऐसे वेश तो मुस्लिम लोग धरते हैं, जिनकी दाढ़ी दाढ़ी होती है, मूछ नहीं होती, और जिनके हाथों में गदा भी नहीं है, और जो चमड़े का पट्टा पहने हुए हैं अपनी कमर में। तो हनुमान जी जैसे पवित्र देवता भले चमड़े को अपने अंग में लगाएंगे, आप बताइए। तो ऐसे इसमें गलत तरीके से भगवान श्री राम और हनुमान जी के जीवन को दर्शाया गया है कि देखने वाला जो है गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, या चिल्लू वर पानी में डूब के मर जाएगा। तो दोस्तों, इस फिल्म को ना देखें, ना ही अपने बच्चों को दिखाएं। अगर आपको देखना है तो रामानंद सागर की जो रामायण है, रामायण के धारावाहिक को अपने बच्चों को दिखाए, उससे बच्चों में अच्छे से संस्कार आएंगे। बड़ों को कैसे प्रणाम किया जाता है, बड़ों की कैसी इज्जत की जाती है, उसमें उसको देखने से बच्चों में सभी अच्छे गुण आएंगे। और दूसरी तरफ आदि पुरुष में जो है भगवान श्री राम चमड़े की चप्पल पहने हुए हैं पूरी फिल्म में, जबकि रामानंद सागर जी की रामायण में भगवान श्री राम ने नंगे पांव वनवास काटा था और उनके पैरों में कांटे भी चुभ जाया करते थे, तो खून की रक्त धारा जो है उनके पैरों से निकल पड़ती थी। सीता जी के पांव में कांटा चुभ जाया करता था, तो राम जी उस कांटे को निकाला करते थे। तो कितने कष्टमय जीवन उन्होंने वनवास के 14 वर्ष को जो है काटे हैं, और इस फिल्म में जो है चमड़े की चप्पल को भगवान को पहनते हुए दिखाया है श्री राम को। और जो भगवान श्री राम की खड़ाऊ भरत ले जाता है रामायण में, इसमें कोई खड़ाऊ नहीं दिखाई है, ना ही कोई भरत इनसे खड़ाऊ मांगता है। पूरी पिक्चर में चमड़े की चप्पल और कमर पे चमड़े का पट्टा और इनके अंग पर दो कौड़ी की सेंडो बनियान, एक फटीचर बनियान सी दिखाई गई है, जबकि हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है पीताम्बर धारण करते थे, जो उनकी सुंदरता को और शोभायमान करता था। लेकिन इसमें सेंडो बनियान पहने हुए बॉडी बिल्डिंग का शो करते हुए भगवान श्री राम को दिखाया गया है, और भगवान श्री राम की बड़ी बड़ी मूछें कुंभकर्ण जैसी दिखाई गई हैं। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष जो फिल्म है उसमें भगवान श्री राम राम नहीं बल्कि रावण है। देखने में जो इस फिल्म के जो अभिनेता हैं प्रभास, जिन्होंने राम का रोल किया है, वो देखने में राम कहीं से भी नहीं लगते, वो रावण से भी ज़्यादा अभद्र लगते हैं। ऐसा लगता है कि रावण को ही राम बना दिया गया है। और इस फिल्म का जो अभिनेता है प्रभास, उसके चेहरे पर पूरी फिल्म में कहीं भी मुस्कान नहीं है, कहीं भी कोई हंसी नहीं है। पूरी फिल्म में उसकी आंखों में जो है गुस्सा भरा हुआ है, चेहरे पे उदासीनता है। तो क्या
आप ही बताइए कि क्या ऐसे थे हमारे भगवान राम? भगवान राम तो दुख में भी मुस्कुराते थे, उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान रहती थी। और जो सीता बनी है, जो कृति सेनन है इस फिल्म की अभिनेत्री, तो इस फिल्म में जो है वो भगवान राम को राघव कह के पुकारती हैं, जबकि रामानंद सागर जी की रामायण में सीता जी ने कभी भगवान राम को उनके नाम से नहीं पुकारा, हमेशा वो स्वामी, नाथ या प्रभु कहकर ही पुकारती थी। लेकिन इस फिल्म में जो अभिनेत्री हैं, जो सीता के रोल में हैं, वो भगवान राम को राघव राम ऐसे कहकर पुकारती हैं। तो आने वाली पीढ़ी पर आप ही बताइए क्या असर पड़ेगा। देखो, आप लोग साधक हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल पर आपको साधनाएं सीखने को मिलती है। तो आप लोग साधना करते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं और अच्छे संस्कार पाते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि साधना के टाइम पर जो है आप गंदी चीज़ों को ना देखें, ऐसी चीज़ों को ना देखें जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें और आपकी साधना को खंडित कर दे। साधना के टाइम पर आप गीता पढ़ें और रामानंद सागर जी का जो सीरियल है श्री कृष्णा उसको देखें, और रामानंद सागर जी का जो रामायण का सीरियल है उस रामायण के सीरियल को देखें, क्योंकि रामानंद सागर जी के इन दोनों सीरियलों को देखने के बाद साधक भक्ति भाव से विभोर हो जाता है। उसमें जो वासना है उसमें वासना नहीं रहती किंचित मात्र भी, और जो राग द्वेष क्रोध है वो सब शांत हो जाते हैं, सब दूर भाग जाते हैं साधक से। तो जो साधक लोग मुझे जानते हैं और जो साधना करते हैं, साधना के खाली समय में वो रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं, उनका अगला उनका दूसरा धारावाहिक श्री कृष्णा भी देखते हैं, जिनसे उनका मन एकाग्र होता है, उनका मन इधर उधर नहीं भटकता, दुनिया उनका मन जो है आध्यात्म की दुनिया में ही लगा रहता है। और आप ही बताइए कि अगर ऐसे ऐसे धारावाहिक, ऐसे अभद्र सीरियल आने लगे, ऐसे अभद्र फिल्म बनने लगी, भगवान की छवि को बिगाड़ने लगी, और ऐसे साधक लोग अगर उस फिल्म को देखेंगे, ऐसे नए नए धारावाहिकों को देखेंगे जिनमें सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तो ऐसे साधक के मन को क्या शांति मिलेगी? उनका ब्रह्मचर्य तो ऐसी फिल्मों को देख के ही नष्ट हो जाएगा। जहाँ ब्रह्मचर्य उनका सुरक्षित रहना चाहिए, तो इन पिक्चरों में जो सीन है उनको देखते ही उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तो क्या आप ही बताइए ऐसी फिल्म को देखना चाहिए? और रावण की जो थी सोने की लंका थी, उसका अलग ही वैभव था, यहाँ जो है काली लंका दिखाई गई है जैसे कोयले की खदान हो, या सोने का नाम, यहाँ 50 ग्राम सोना भी नहीं मिलेगा ऐसी लंका में। और रावण की लंका जो थी वो हनुमान जी के जलाने के बाद काली पड़ी थी, यहाँ तो शुरू से ही काली दिखाई गई है ऐसी लंका। और रावण की लंका में चारों तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी, वैभव था, यहाँ तो रेगिस्तान का ऐसा उजड़ा चमन दिखाया गया है कि देखने वाले को डर लग जाए कि यह भूत बंगला है या रावण की लंका है। और रावण का जो पुष्पक विमान दिखाया गया है, तो वो चमगादड़ को पुष्पक विमान बना दिया गया है, चमगादड़ पर बैठकर रावण सीता का हरण करता है। तो जो भी मन में आया इन लोगों ने वो मरोड़ के उसको दिखा दिया। ऐसी फिल्म बनाने वाले लोगों को तो 50 या 60 डिग्री के तापमान में गर्मी में जिंदा जला देना चाहिए। जो इस फिल्म में रावण बना है वो सैफ अली खान जो अभिनेता हैं, उन्होंने रावण का रोल किया है, और रावण के रोल में उन्होंने अपने बालों पर मुर्गा कटिंग करवाई है, जैसे मुर्गे की कलगी होती है, साइड में से गंजी, बीच में से बाल, ऐसे मुर्गा कटिंग कराई है, और दाढ़ी ऐसी रखी है जैसे मुसलमान होती है ना, जो अपने को जो नमाज पढ़वाते हैं, जो निकाह पढ़वाते हैं, जिनकी ऐसी दाढ़ी होती है, ऐसी मुसलमानों वाली दाढ़ी इस फिल्म में रावण की दिखाई गई है। तो बताओ, रावण ही सही नहीं है? और रावण को कमर में WWE की जो बेल्ट होती है चौड़ी वाली, चमड़े वाली, वो कमर में बेल्ट पहना दी गई है, एक टी शर्ट पहना दी गई है, और रावण के गले में ना तो कोई सोने का हार, ना कोई मोतियों का हार, ना हाथों में कोई अंगूठियाँ, सर पे मुकुट भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाया है, केवल एक गंजा रावण बना दिया है, एक टी शर्ट पहना दी गई है, और एक WWE की
चमड़े का चौड़ा पट्टा उसके कमर में बांध दिया गया है। तो ऐसा रावण दिखाया गया है। जो लोफर लोग होते हैं, जो तड़ी पाड़ लोग होते हैं, उनके भी डायलॉग ऐसे नहीं होंगे जैसे रावण ने इस फिल्म में डायलॉग बोले हैं। जब हनुमान जी सीता से मिलने आते हैं तो रावण हनुमान जी से कहता है कि तेरी बुआ का बगीचा है ये, जो तू यहाँ हवा खाने आया है। तो इस तरह से रावण ने हनुमान जी से संवाद किया है, अशोक वाटिका को बुआ का बगीचा बताया है। और इसमें एक चीज़ और है कि जहाँ एक तरफ रावण को इस फिल्म में शक्तिशाली दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक बाढ़ में ही भगवान राम रावण को जो है समाप्त कर देते हैं, उसका खात्मा कर देते हैं। जबकि रामानंद सागर जी की रामायण में ऐसा नहीं दिखाया गया। रावण और भगवान श्री राम का युद्ध 42 दिनों तक चलता है और रावण जो है पराजित तो हो जाता है लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तब विभीषण जी आकर राम जी को रावण का भेद बताते हैं कि इनकी जो टूड़ी है उस टूड़ी में अमृत भरा हुआ है जिनके कारण इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आपको रावण का अंत करना है तो इसकी टूड़ी में भरे अमृत को आप जला दीजिए तो ये स्वयं ही मर जाएगा। तो इस तरह से विभीषण ने भगवान श्री राम को रावण को मारने का उपाय बताया। जबकि इस फिल्म में विभीषण कुछ भी ऐसा नहीं करता और एक बार में ही भगवान राम रावण का खात्मा कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी ने भी बहुत दो कौड़ी के संबंध रावण से कहे हैं। जब उन्होंने लंका में आग लगाई है रावण की में, तो आग लगाने से पहले उन्होंने रावण से कहा है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तो ऐसे संबंध जो है हनुमान जी ने रावण से कहे हैं। हमारे जो भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो भगवान शंकर के स्वरूप हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्या कभी किसी से ऐसे शब्द बोल सकते हैं? जबकि वो वली बात ही जानते थे कि रावण एक शिव भक्त है और हनुमान जी शिव के स्वरूप हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के हृदय में भी रावण के लिए सम्मान था। लेकिन इस फिल्म में तो सारी हदें पार कर दी गई हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, मुझे ये जानकर बहुत दुख होता है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, वो ऐसी फिल्म को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी फिल्म को आगे बढ़ने दे रहा है। उनके अंदर जरा भी आग नहीं है, उनके भीतर जरा भी आग नहीं है कि हमारी देवी देवताओं को ऐसे दर्शाया गया है इस फिल्म में। अगर ये भारत के हिंदू चाहें तो इस फिल्म को एक दिन भी ना चलने दें, लेकिन फिल्म के निर्देशकों को ये भर भर नोट देकर उनकी मोटी कमाई करवा रहे हैं। जबकि इनको जो है सिनेमा हॉलों में लगे पोस्टरों को फाड़ देना चाहिए, वहाँ धरना देना चाहिए, फिल्म को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। लेकिन यही लोग उल्टे फिल्म देखने जा रहे हैं, यही लोग फिल्म की आलोचना कर रहे हैं और उल्टे यही लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सोच पर, जहाँ अपने को एक तरफ सनातन हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, अपने को वैष्णव कहते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी फिल्मों को ऐसे ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा विचार करके मन को बड़ा दुख होता है कि आगे हमारे भारत का भविष्य क्या होगा। फिर तो हर तीसरे आदमी का जो मन चाहे, हर तीसरे फिल्म निर्देशक का जो मन चाहेगा, वो हमारे धर्म के देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करके उल्टी सीधी फिल्में बनाएगा, अपनी मनमानी करेगा। तो भाई लोगों, हम अभी से नहीं जागे और इन फिल्म निर्देशकों को हमने सबक नहीं सिखाया, फिर तो ये आए दिन हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे और अपने मन में आए उसको तोड़ मरोड़ कर उनके जीवन को घटिया तरीके से दर्शाएंगे। तो आप ही बताइए कि क्या हमें सनातन हिंदुओं को चुपचाप बैठे रहना शोभा देता है? एक फिल्म आई थी इससे पहले शाहरुख खान की, रईस, जिसमें शाहरुख खान ने अभिनय किया। उस फिल्म में हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और हाथ में शराब का गिलास लेते हुए दिखाया गया है, बताइए। तो हम हिंदू होकर भी ऐसे एक फिल्म को देखने जाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं,
जबकि हमें तो ऐसे सिनेमा हॉलों में आग लगा देनी चाहिए, उनके सिनेमा हॉलों में ताला लगवा देना चाहिए, कहीं जहाँ हमारी पूजनीय काली माता को, जगत जननी काली माता को शराब का गिलास हाथ में और सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया है, वहाँ हम लोग चुपचाप सिनेमा हॉलों में पिक्चर देखकर ताली बजा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग क्या सोचते होंगे हमारे इस व्यवहार को देखकर, कि ये लोग तो अपने धर्म के सगे ही नहीं, अपने लोगों के सगे नहीं, तो ये हिंदू लोग हमारे क्या सगे होंगे, बताइए। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस फिल्म के जो राइटर हैं वो खुद हिंदू हैं, खुद को सनातनी कहते हैं, उन्होंने इस फिल्म के संवाद लिखे हैं, ऐसे दो कौड़ी के संवाद लिखे हैं कि लगता है कि वो किसी अम्मी जान की औलाद हैं और अपने को सनातनी कहते हैं। अबे भाई, तू सनातनी है तो क्या तूने कभी रामायण खुल के ना देखी, कभी तूने गीता खुल के नहीं देखी, जो ऐसे भगवान श्री राम के किरदार को धूल में मिला रहा है, ऐसे श्री हनुमान जी के किरदार को तू धूल में मिला रहा है, ऐसी जगत जननी माता सीता के किरदार को तू धूल में मिला रहा है, ऐसे फिल्म के राइटर को तो जिंदा जला देना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए। जिसका नाम मनोज मुंतशिर है, इस फिल्म का जो राइटर है, जो लेखक है, उसका नाम मनोज मुंतशिर है, और जो डांस शो में और जो सिंगिंग शो में टेलीविज़न पर दिखाई देता है जज के रूप में, और बड़ी बड़ी शेर व शायरियाँ करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उस दो कौड़ी के राइटर ने आदि पुरुष फिल्म में भगवान श्री राम के ऐसे घटिया डायलॉग लिखे हैं कि एक गुंडे माँ वाली को भी शर्म आ जाए बोलने में। ऊपर से ये जो मनोज मुंतशिर लेखक है, जो राइटर है, ये अपने को जो है सनातनी हिंदू बताता है। और देखिए इसकी क्रूरता यहाँ तक कि ऐसे डायलॉग लिखने के बाद, लोगों की आलोचना सुनने के बाद, इसने अभी तक लोगों से माफ़ी तक नहीं मांगी है, उल्टा ये बोलता है कि पांच डायलॉग ही तो गलत हैं। भाई, पांच डायलॉग क्यों गलत डाले तूने? पांच डायलॉग फिल्म में गलत डालकर तू एहसान जता रहा है पूरे सनातन धर्म के ऊपर? तू 500 डायलॉग गलत डाल देता, पांच ही क्यों गलत डाले? और तूने डाले ही क्यों? जब तुझे लगता है कि ये पांच डायलॉग गलत हैं तो तू उसको बदल सकता था, तूने डाले ही क्यों? आज को तू पांच डायलॉग गलत डाल रहा है, कल दूसरी अगर कोई फिल्म बनी तो उसमें तू 500 डायलॉग गलत डालेगा और फिर भी नहीं माफ़ी मांगेगा। और ऊपर से यही कहता है कि भगवान राम को तो पता ही नहीं था कि वो विष्णु के अवतार हैं। ऐसे घटिया लेखक से मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान राम को नहीं पता था वो विष्णु के अवतार हैं तो तू ही उनको जाके बता देता, क्योंकि भगवान राम को नहीं पता तो तुझे तो पता है कि वो विष्णु के अवतार हैं, तू ही उनको जाके बता देता भाई, क्योंकि तू ही परब्रह्म हो गया, तू ही सब कुछ हो गया। और हमारी भोली वाली जनता ऐसे सब कुछ जानते हुए भी इन लोगों से मिलने को तरसती है, इनके ऑटोग्राफ लेने को तरसती है, इनके अपने माँ बाप के कभी पैर ना छुए घर पर, और इन सेलिब्रिटियों के, इन फिल्म अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के पाँव को छूती है। फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के लिए पागल हो रही हैं जो आम जनता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने घर में माँ बाप के चरण छुए हैं? जो इन दो कौड़ी के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के मिलने पर आप सीधा इनके चरण छूते हैं, भाई क्यों छूते हैं? कभी अपने बाप का हाल पूछा है कि वो दुख में है कि सुख में है? कभी अपनी माँ से, कभी अपनी माँ का हाल पूछा है कि माँ आज तेरे को क्या चाहिए? कभी अपने माँ बाप के चरण दबाए हैं? लेकिन इन आम जनता को कोई सेलिब्रिटी मिल जाता है तो उसको घेर लेते हैं, उस अभिनेताओं के ऑटोग्राफ लेने को तरस जाते हैं, उसके पाँव छूते हैं। तो बताइए, इन भोली वाली जनता को कौन समझाए? इन लोगों के भोले वालेपन से ही हमारा भारत देश आज खतरे में है, हमारे भारत देश को खतरा है हमारे भारत की भोली वाली जनता से, जो है हमारी भोली वाली जनता का फ़ायदा ही ये कुछ होशियार लोग उठा रहे हैं और जैसा चाहें अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो भाई लोगों, माताओं बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि ऐसी फिल्म को अपने बच्चों को ना देखने दें, ना ही सिनेमा हॉलों में देखने जाएं। देखना है तो भगवान श्री राम पर आधारित श्री रामानंद सागर जी की रामायण को देखें, जिसको देखते ही व्यक्ति को वैराग हो जाता है, भक्ति उसके तन मन पर छा जाती है, जिसका एक एक संवाद मन को भाव्यवोर कर देता है। कैसे अपने माता पिता को भगवान राम सम्मान देते थे, कैसे अपने छोटे भाइयों का साथ देते थे, कैसे अपनी पत्नी को उन्होंने एक कहने पर, जनता के कहने पर एक बार में ही हमेशा के लिए त्याग दिया। तो ऐसे मर्यादा श्री राम को आपको देखना है तो रामानंद सागर जी की रामायण में जाकर देखें, ना कि इस घटिया आज के दौर की दो कौड़ी की फिल्म को, जिसमें आपके बच्चे सुधरे नहीं उल्टे बिगड़ जाएं, जिसमें कोई मर्यादा नहीं, पूरी फिल्म में मर्यादा का उल्लंघन है। तो ऐसी फिल्म को जाकर ना देखें।
भगवान की भक्ति करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, साधना करें, आराधना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आपको ये मेरा विचार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि साधना से संबंधित मैं जो भी कोई जानकारी लेकर आऊँ, अप्सरा साधना, परी साधना से संबंधित, या देवी देवताओं की साधना से संबंधित, या ऐसी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर कोई मैं जानकारी लेकर आऊँ, तो उस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब ये जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।